सभी को जय श्री राम। तो अभी हम लोग जा रहे हैं घूमने बाहर, और बाहर जाते हैं भी कहाँ कहाँ जाते हैं भी आप लोग को भी दिखाते हैं, और सारे जगह नहीं जा पाएंगे हजारीबाग का, बट जहाँ जहाँ जाते हैं अभी आप लोग को दिखाते हैं। तो अभी पहले जाते हैं बाहर, और ये जो पंडाल है दुर्गा मंडप बोल सकते हैं, वो बहरी का है। तो अभी सामने जा कर आप लोग को दिखाते हैं दुर्गा माता को, और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं दुर्गा माता का स्थान काफी अच्छा डेकोरेट किया गया है यहाँ पे। वहां दिखाते हैं दुर्गा माता का जो पंडाल है उड़िया का, ये है आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये बहुत ही अच्छा यहाँ पे डेकोरेट किया गया। आप लोग ये देखिए, अभी यहाँ पे अंदर से आप लोग को दिखाते हैं दुर्गा माता को अंदर जा करके। ये देखिए आप लोग, अभी हम लोग ओरिया का ओवरब्रिज पार कर रहे हैं, और ओवरब्रिज पार करके अभी हम लोग पहुंचेंगे यहाँ इलाके का पंडाल के पास, जो कि यहाँ से करीब 12 किलोमीटर की दूरी पे है। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे लाइटनिंग कितना अच्छा किया हुआ है इलाके का। ये देखिए आप लोग यहाँ का डेकोरेशन कितना अच्छा किया हुआ है, मतलब सारा जगह का डेकोरेशन मतलब बहुत ही अच्छा किया हुआ है। यहाँ पे लगता है देखने इसकी बहुत ज़्यादा टाइम दिया आदमी लोग, जब जा करके यहाँ पे डेकोरेशन कम्प्लीट हुआ होगा। तो अभी जाते हैं अंदर, और अंदर जाकर के दुर्गा माता को दिखाते हैं भी आप लोग को। यहाँ पे लाखे और नूतन नगर दोनों मिल करके दुर्गा पूजा सेलिब्रेट करते हैं। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे नाम लाखे नूतन नगर दोनों, तो यहाँ पे प्रसाद मिल रहा है और प्रसाद ले लेते हैं यहाँ पे। पे बाबा चंदन भी लगा रहे तो चंदन लगा लेते थोड़ा। तो टीका प्रसाद और माता का दर्शन करने के बाद अब हम लोग सभी को जाएंगे कोर्रा, और कोर्रा जा करके आप लोग को दिखाते हैं वहाँ का कैसा डेकोरेशन है। और सभी जगह तो अच्छा ही दिख रहा है अभी तक, और अच्छा ही रहना चाहिए। तो हम लोग जाते हैं कोर्रा, और कोर्रा जा करके आप लोग से मिलते हैं। हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं दीदी यहाँ पे फोटो क्लिक करवाना चालू कर दिया, और चश्मा इनका तो हार्ड लग रहा है, तो थोड़ा फोटो क्लिक कर देते हैं दीदी का, उसके बाद आप लोग तो ले जाएंगे कोर्रा, कोर्रा जाकर के आप लोग को दिखाते हैं। ये देखिए मेरे से भी क्लिक करवा ली, और यहाँ पे मेरी छोटी बहन से भी क्लिक करवा रही है। चलो चलो बस करो, इतना ही क्लिक करो, एक और। तो अब हम लोग यहाँ से जाएंगे कोर्रा, और कोर्रा का क्या व्यू रहता है आप लोग को दिखाते हैं वहाँ पे जा करके। लोग लास्ट व्यू देख लीजिए बाहर का, जय श्री राम। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे कोर्रा चौक पे कितना ज़्यादा भीड़ है, और भीड़ इतना ज़्यादा आप लोग देख सकते हैं पूरा। देख सकते हैं यहाँ पे कितने ज़्यादा पुलिस फोर्स लगे हुए हैं भीड़ को क्लियर करने के लिए। तो आप लोग को यहाँ पे कोर्रा का जो पंडाल है उसमें आप लोगों को केदारनाथ का दर्शन करवाते हैं। अगर आप लोग केदारनाथ नहीं जा पाए होंगे तो यहीं पे हम लोग हजारीबाग में ही दर्शन करवा देते हैं आप लोगों को कोर्रा का पंडाल में। ये देख सकते हैं आप लोग केदारनाथ, तेरे नाम की ज्योत में सारा लिया तुम। तो आप जाते हैं अंदर, भीड़ तो पूरा होगा लेकिन फिर भी जाएंगे अंदर, और अंदर जाकर के आप लोगों को दिखाते हैं दुर्गा माता को। अंदर में पूरा भीड़ है आप लोग देखिए यहाँ पे, देखते कोशिश करते हैं अंदर जाने के लिए। और यहाँ का डेकोरेशन तो आप लोग देख ही सकते हैं। Yeah.
और आगे बढ़ करके हम लोग पहुँचेंगे अभी मटवारी गांधी मैदान, जो कि सबसे ज़्यादा फेमस हजारीबाग में, ये वहाँ पे डिज्नीलैंड मेला लगता है उसके कारण। और ये देखिए आप लोग यहाँ पे कितने ज़्यादा भीड़ है कोर्रा में। तो कोर्रा का व्यू आप लोग देख ही लिए होंगे और यहाँ पे भीड़ बहुत ज़्यादा था, तो अच्छा से हम शायद वीडियो ना बना पाए होंगे। तो अब हम लोग जाते हैं मटवारी और मटवारी जाकर के आप लोग से मिलते हैं। पे रोड पे भी देख सकते हैं आप लोग बहुत ज़्यादा भीड़ है। तो अब हम लोग यहाँ से पहले पहुँचेंगे बाबूगांव चौक, उसके बाद वहाँ से हम लोग पहुँचेंगे मटवारी गांधी मैदान। देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे खिचड़ी मिल रहा है प्रसाद में, और ये जो खिचड़ी है वो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी रहता है यहाँ का, आप लोग को बता दें। अगर आप लोग आते कभी तो खिचड़ी बिना खाए आप लोग अगर जाते तो फिर मज़ा नहीं आएगा आप लोग को। तो अगर आप लोग कभी आते हैं तो खिचड़ी ज़रूर खाएं प्रसाद के रूप में। आप लोग देख सकते हैं कोरोना का जो सजावट है, डेकोरेशन है, वो कितना दूर तक किया गया आप लोग ये देखिए। आगे वहाँ पे बाबूगांव चौक दिख रहा है हम लोग को और इधर से पीछे कोर्रा चौक, मतलब हमको लगता है लगभग 1 किलोमीटर के आसपास में डेकोरेट यहाँ पे किया गया है पूरा सीरीज से। अब हम लोग पहुँच चुके हैं बाबूगांव चौक, यहाँ देख सकते हैं आप लोग रोका गया है बांस से बांध करके ताकि कोई भी फोर व्हीलर पार ना हो। इधर आप लोग इधर फोर व्हीलर नहीं दिख रहा होगा, नोटिस किए होंगे आप लोग। तो अब हम लोग मटवारी पहुंच चुके हैं और अब यहाँ से आप लोग को भीड़ बहुत दिखेगा क्योंकि यहाँ पे मेला लगा हुआ है ना, डिज्नीलैंड मेला, तो उसके कारण भीड़ यहाँ पे आप लोग को बहुत ज़्यादा दिखेगा। और आप लोग पिछला व्लॉगिंग में देखे होंगे हम लोग आए थे, जितने वॉलीबॉल प्लेयर्स थे सभी को सर के साथ आए थे हम लोग मटवारी घूमने के लिए, आप लोग देखे होंगे पहले व्लॉग में, और नहीं देखे तो जा करके देखिए। और अभी तो आप लोग देख ही लेंगे फिर से यहाँ पे, और भीड़ आप लोग देख ही सकते बहुत ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा भीड़ है यहाँ पे। तो अब यहाँ पे हम लोग गांधी मैदान इंटर करते हैं जहाँ से पिछले बार किए थे। यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग एक बच्चा का बैलून उड़ गया, पता नहीं उस बच्चे को कितना बुरा लग रहा होगा अभी। तो आप लोग फिर से यहाँ पे देख सकते हैं मटवारी का जो पंडाल है वो कैसा बनाया गया है। तो आप अंदर जाते हैं और अंदर जा करके आप लोग को माता का दर्शन करवाते हैं। ये मटवारी का दुर्गा माता, तो हम भी दर्शन कर लिए दुर्गा माता का, तो हम यहाँ से जाते हैं बाहर से देख लीजिए कैसा डेकोरेट किया गया। तो अब जाते हैं बाहर, लोग देख सकते हैं पहले से कितने ज़्यादा भीड़ यहाँ पर। पिछले व्लॉग में बोले भी थे कि अभी तो कुछ भीड़ नहीं है, नौवीं और दसवीं को बहुत ज़्यादा भीड़ होता है, आप लोग देख सकते हैं भीड़ कितना ज़्यादा है। थोड़ा दूर जाकर के पंडाल को दिखाते ताकि अच्छा दिखेगा आप लोगों को, और सामने थोड़ा कट जा रहा है पंडाल का जो फिगर है फोटो में वो कट जा रहा है, तो थोड़ा दूर जाकर के आप लोगों को दिखाते हैं। फिर प्रसाद वितरण हो रहा है तो यहाँ भीड़ नहीं है, तो अभी यहाँ प्रसाद ले लेते हैं हम लोग। और ये जो प्रसाद है वो खाना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो अभी प्रसाद खाते हैं पहले। ये देखिए खिचड़ी, प्रसाद बहुत अच्छा लगा तो यहाँ पे हम फिर से लेने के लिए आ चुके हैं, तो ये प्रसाद बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। यहाँ पे दीदी और मम्मी लोग से पूछते हैं प्रसाद कैसा लगा, कैसा लगा आपको प्रसाद, टेस्टी था। तो अब आप लोग यहाँ पे थोड़ा दूर से देख सकते हैं मटवारी का पंडाल कितना बड़ा और कितना अच्छा सजाया गया है, और भीड़ तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं बहुत ज़्यादा है। तो अब अंदर जाते हैं डिज्नीलैंड मेला, क्योंकि डिज्नीलैंड मेला ज़्यादा ज़रूरी है।
तो अंदर जाते हैं डिजनीलैंड मेला, तो टिकट लेना पड़ेगा, पहले लेते हैं टिकट। भीड़ बहुत ज़्यादा आप लोग को दिख रहा होगा, तो लाइन लगाना पड़ेगा। तो भीड़ बहुत ज़्यादा होने के कारण हम लोग मेला में गए नहीं, और टिकट जो था वो बांट दिया हम किन्हीं और को। तो बहुत ज़्यादा भीड़ था और मम्मी लोग दीदी लोग साथ में थी, तो मेला में हम अंदर डिजनीलैंड मेला में गए नहीं। तो अब रिटर्न यहाँ से आगे जाते हैं और आगे जा करके आप लोग को दिखाते हैं अभी हम लोग कहाँ जाते हैं। तो मटवारी और जो भी वहाँ मेला घूमने के बाद भीड़ बहुत ज़्यादा था, तो अंदर गए नहीं। तो घूमने के बाद अब जा रहे हैं देवांगना चौक, वहाँ का भी जो फेमस है पंडाल वो देख लेते हैं और वहाँ जा करके अभी आप लोग से मिलते हैं। और ये देखिए हम लोग देवांगना चौक आ चुके हैं और यहाँ का पंडाल आप लोग देख सकते हैं कैसा डेकोरेट किया गया है। दूर से ही दिखाते हैं, सामने से पूरा पंडाल नहीं आता है, तो दूर से ही दिखाते हैं आप लोग को और अंदर जा करके फिर आप लोग को दुर्गा माता को दिखाएंगे। ये देखिए पंडाल कि आप लोग यहाँ पे दुर्गा माता को, यहाँ वाला काफी बड़ा लग रहा है, आप लोग देख सकते हैं, देख सकते हैं आप लोग। अभी हम लोग चानो आ चुके हैं और चानो का जो पंडाल है अभी आप लोग को दिखाते हैं। ये देखिए चानो का पंडाल मेरे गांव का। तो अब जाते हैं अंदर और अंदर जाकर के आप लोगों को दिखाते हैं व्यू कैसा है माता का। ये आप लोग देख सकते हैं चानो का है और ये दुर्गा माता का दर्शन आप लोग कर लीजिए। और हम लोग वहाँ से देवांगना चौक से टाइम चानो आ गए क्योंकि उधर जा नहीं पाए और बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था, टाइम हो रहा है अभी 1 बज रहा है। तो अब यहाँ पे चानो में आप लोग देखिए लास्ट, तो अब यहाँ से सीधा घर जाएंगे हम लोग। तो अगर आप लोग को व्लॉग पसंद आया हो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें, और हम सारा दर्शन नहीं करा पाए होंगे आप लोग को, पूरा जारी बाग नहीं घुमा पाए होंगे, तो जितना पॉसिबल था उतना आप लोग को दिखा दिए। सभी को मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, सभी को सीताराम। In the dark, so won't get lost now. To the moonlight, eyes you are real right now.